पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय के विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त हस्तशिल्प शांतपनु ने शनिवार को मुरादाबाद का दौरा किया। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विसेज सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सिर्फ निर्यातकों को ही नहीं बल्कि दस्तकारों को भी MHAC का फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेगा क्लस्टर खुलने की वजह से आधुनिक तकनीकों का फायदा निर्यातकों को भी मिल रहा है। IDPS के तहत यहां स्पेशल प्रोजेक्ट लाए गए हैं। विकास आयुक्त ने मंडलायुक्त अनिल राजकुमार और वस्त्र मंत्रालय के निदेशक अरुण कुमार यादव के साथ पीतल नगरी स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया। तीनों अधिकारियों ने यहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर देखा। सही बात है, वैसे तो एक आपको पता ही ऑलरेडी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो भारत कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में इंस्टीट्यूट है वो इस पर ऑलरेडी काम कर ही रहा है। उसके अलावा हम भी अपने लेवल पे बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज चलवाते हैं डिजाइन डेवलपमेंट के, जिसमें हमारे पुराने जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे अवार्डीज हैं, जिनको शिल्पपुर अवार्ड मेरे को मिला हुआ है, वो फिर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, धीरे धीरे ये रिक्वेस्ट या डिमांड भी आ रही है कि एक स्पेसिफिक मेटल रिलेटेड एक डिजाइन इंस्टीट्यूट खोला जाए, तो उस पर भी हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। एक सर, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो पूरा टेक्सटाइल वाला मिनिस्ट्री में 60% के आसपास महिलाएं हैं, लेकिन पीतल कारीगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। क्या महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ नहीं, उसमें अब जिस क्राफ्ट में ज्यादा महिलाएं भाग लेती हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम है, बाकी लेस मेकिंग का काम है, वहाँ पर चलो ठीक है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर जबरदस्ती तो महिलाओं को नहीं आ रही। कई छोटे छोटे सेंटर मुरादाबाद में चल रहे हैं जहाँ महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं, बट जहाँ जहाँ पर महिलाएं हैं, और जैसे मैंने आपको इग्नू और नयोज के उदाहरण दिया, वहाँ पर महिलाओं को और भी ज्यादा वो छूट है, और भी बहुत सारे स्कीमें हमारे महिलाओं को अलग से हम अलग से उनको बढ़ावा देते हैं। एक आखिरी सवाल सर, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर जिसकी आप अपने बात की, कई बार ये हुआ कि विदेशों में कई निर्यातकों ने माल भेजा और वो रिजेक्ट हो गया, मतलब पोल्यूशन या तमाम रीजन थी, कितना फायदा इससे मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यही हमारा पर्पस ही वही था कि अब एटलीस्ट वो यहाँ से हमारे यहाँ से टेस्ट करा के जो भी माल जाए वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो। इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था कुछ हमारे यहाँ जब टेस्ट होते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें कमी किसी चीज़ की, और तुरंत उसको दुरुस्त करते हैं हमारे एक्सपोर्टर जो है, उसको ठीक करके फिर दोबारा उसको भेजते हैं। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आने से इसका लोग पूरा फायदा उठाएं, और अब जो भी माल यहाँ से जाएगा वो रिजेक्ट नहीं होगा। थैंक यू।